नमस्कार, मैं रचना शर्मा चंडीगढ़ टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। नवरात्रि के दूसरे दिन माता मनसा देवी मंदिर पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। श्री वाटिका पार्किंग, श्री माता मनसा देवी मंदिर और पटियाला मंदिर को जोड़ने वाले नए कॉरिडोर का किया उद्घाटन। आज मनाया जा रहा वायुसेना दिवस। भारतीय वायुसेना की 99वीं वर्षगांठ पर हरियाणा के सीएम ने दी शुभकामनाएं। रंजीत हत्याकांड में डेरा प्रमुख राम रहीम सहित 5 आरोपी दोषी करार। सीबीआई की विशेष अदालत 12 अक्टूबर को सभी दोषियों को सुनाएगी सजा। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अश्विन नवरात्रि के दूसरे दिन पंचकुला के श्री माता मनसा देवी मंदिर पहुंचे। माता मनसा देवी मंदिर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने माता के चरणों में शीश नवाकर मनोकामना मांगी और पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्री माता मनसा देवी मंदिर पहुंचकर माता के दर्शन करने के बाद हवन यज्ञ में भी भाग लिया। वही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्री वाटिका पार्किंग, श्री माता मनसा देवी मंदिर और पटियाला मंदिर को जोड़ने वाले नए कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल शक्ति स्तंभ कालका व पिंजोर का उद्घाटन करने भी पहुंचे। मित्रों, आज शक्तिदायिनी माँ मनसा देवी के पवित्र मंदिर में नवरात्रों के इस अवसर पर आज दूसरा नवरात्रा है। मुझे भी माँ के दर्शन करके उनकी कृपा मिली है। मैं आज इस अवसर पर कुछ कार्यक्रम जो इस मंदिर परिसर में ही जिनका उद्घाटन किया गया है, जिसमें श्री वाटिका पार्किंग है और न्यू कॉरिडोर जो मैं देखा है, जो माता मनसा देवी टेम्पल और पटियाला टेम्पल को जोड़ता है, ये एक न्यू कॉरिडोर का इसका उद्घाटन किया गया है। शक्ति स्तंभ कालका और पिंजौर यानी मंदिर यानी माँ काली माता के मंदिर को जाने के लिए जो दोनों रास्ते हैं उन पर शक्ति स्तंभ इनका भी उद्घाटन किया गया है। ये सब मिलाकर के 4,40,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले ये चारों प्रोजेक्ट थे। एक प्रकार से जब से ये माँ मनसा देवी और काली माँ मंदिर का सरकार ने अधिग्रहण किया है, टेकओवर किया है, तब से मैं देख रहा हूँ कि 1991 से लेकर के आज 2021 30 साल की इस यात्रा में मंदिर के परिसर में लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कल ही श्राइन बोर्ड की हमारी मीटिंग थी और उस मीटिंग में भी बहुत से नए प्रोजेक्ट्स इसको मंजूरी दी गई है कि इस मंदिर की एक प्रकार से किस प्रकार से ख्याति बढ़े, कैसे यहाँ विकास के काम पूरे हों, सामाजिक सेवा के कामों के प्रति भी यहाँ पर बहुत से प्रावधान ये किए गए हैं। आज भारतीय वायुसेना की 99वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। 99 साल पहले आज ही के दिन 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। आज का दिन गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना की बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और वायुसेना दिवस के मौके पर भारतीय वायुसेना के चीफ और तीनों सशस्त्र सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। देश की वायुसेना की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना के जाबाजों के कंधे पर ही है। आज के दिन इंडियन एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट सेना के विभिन्न विभागों के साथ शानदार हैरतगंज अंदाज से एयर शो का प्रदर्शन करते हैं। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य भारतीय वायुसेना के प्रति लोगों में जागरूकता और देश की हवाई सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय वायुसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाना है। भारतीय वायुसेना की 99वीं वर्षगांठ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवानों को ढेर सारी बधाइयां दी। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि विश्व की सबसे बड़ी वायु शक्तियों में से एक भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस पर सभी वीर जवानों को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। भारतीय वायुसेना पराक्रम और देश सेवा की अद्भुत मिसाल है जिस पर हर भारतीय को गर्व है। भारत माता के वंदे वंदे। हरियाणा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को बड़ा झटका लगा है। रंजीत हत्या मामले में सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुनारिया जेल में बंद राम रहीम सहित 5 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। रंजीत हत्या मामले में सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को दोषी करार दिया है। हालांकि सजा का ऐलान अभी नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि सीबीआई की विशेष अदालत 12 अक्टूबर को सभी दोषियों को सजा सुनाएगी। जानकारी के अनुसार मामले में राम रहीम, कृष्णलाल, सबदिल, अवतार, जसबीर को दोषी करार दिया गया है, जबकि एक अन्य आरोपी इंदर सेन की मौत हो चुकी है।
फरीदाबाद के जीवन नगर गौची इलाके में एक भाई को अपनी बहन के साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध करने की भारी कीमत चुकानी पड़ी। पीड़ित भाई के मुताबिक उसकी बहन के साथ जीवन नगर गौची के कुछ युवक छेड़छाड़ करते थे, जिसके बारे में बहन ने उसे बताया था और इस बात का पता चलने पर उसने उन युवकों को समझाते हुए ऐसा न करने के लिए हिदायत दी थी, लेकिन बदमाशों ने उसे देख लेने की धमकी दी थी और मौका मिलते ही बदमाशों ने पीड़िता के भाई को जीवन नगर गौची इलाके में घेर लिया और फिर उसके साथ मारपीट करते हुए उसे ऑटो में अपहरण कर कबाड़ी मार्केट में ले गए, जहां उसके साथ फिर से जमकर मारपीट की गई और उसके पास रखे 1.5 लाख रुपए भी छीन लिए गए। इतने ही नहीं, किसी को कुछ बताने पर भी जान से मारने की धमकी देकर छोड़ दिया गया और फिलहाल पुलिस इस मामले में बात कर रही है, तो पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच भी रही है। ये सर पहले मेरी बहन का मामला था, ये पहले छेड़ते थे, हम गोची में रहते थे उनके पड़ोस में, तो यहाँ छेड़ाखानी करते थे। इसने घर में बताया तो पापा बोले कि यहाँ से मकान इसे किराए पर छोड़ देंगे, अपना वहाँ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सियानी सियानी लड़की है और कंप्लेंट करने से कोई फायदा नहीं, हमारी बदनामी होगी। ठीक है जी, फिर हम वहाँ चले गए तो एक दिन ऐसी मेरी बहन यहाँ पार्लर आती है, पाल स्कूल के पास, तो वहाँ ये 4-5 लड़के आके छेड़ाखानी करने लगे थे और छेड़ाखानी, फिर इसने फ़ोन करा मेरे पास, भैया ऐसे ऐसा बात है, मुझे घेर लिया, तो मैं वहाँ पहुँचा तो वो भग गए थे। कहने का तुझे तो हम बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो आज मैं घर सामान लेने गया था तो वो मम्मी ने वो मंगाए थे चूल्हा और टप, तो मैं सामान लेने गया, किसी ने खबर कर दी कि यहाँ पे वो आया है, सो इसने मुझे घेर लिया वहाँ लेबर चौक पे अकेले। फिर इसने फिर मेरे से कह रहा कि अपनी दुकान की तरफ चल, अपनी दुकान की तरफ। मैंने कि ठीक है, वहाँ दुकान की तरफ जाके इसने सभी लड़के बुला लिए, 15-16 लड़के आए थे, 2 टेम्पू भर के, डंडे फंडे लेके, चक्कू तलवार लेके, और फिर इसने सोई, मैंने वो लड़का, मैंने कि रिचार्ज डलवा के लिए मेरे फ़ोन में, जैसे मैंने पैसे निकाले 1.5 लाख रुपये जेब में थे, वो डीलर को देने थे, पापा देख गए थे सुबह सुबह, तो उसने सोई बुला के लड़के और मारपीट करके मेरे सर में डंडे डंडे बजाए, फिर हाथ लगा लिया तो मेरा हाथ तोड़ दिया। क्या पास में कोई सीसीटीवी कैमरा भी है जी? अभी कंप्लेंट करी है, फिर उन्होंने कह दिया कि मेडिकल कराओ जाके। इंद्री में शहीद उधम सिंह चौक पर लगी प्रतिमा को खंडित करने की घटना से लोगों में रोष पनप गया है। उधम सिंह चौक पर उधम सिंह जी की प्रतिमा को एक व्यक्ति ने खंडित कर दिया। मूर्ति खंडित करके व्यक्ति को लोगों ने देख लिया और मौके पर भी हंगामा पकड़ लिया। इस दौरान काफी देर तक हंगामा होता रहा। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पकड़े गए आरोपी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस आरोपी को गाड़ी में बैठाकर थाने में ले गई है। मूर्ति खंडित होने का मामला इससे पहले भी कई बार सामने आ चुका है। प्रशासन की तरफ से ऐसे सख्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। जी, आज सूचना मिली थी कि शहीद उधम सिंह जी की मूर्ति को एक व्यक्ति ने खंडित करने का प्रयास किया और उसको नुकसान भी पहुंचाया है, जिस सूचना पे हम मौका पर गए थे और वहाँ पे देखा कि थोड़ी सी उसको नुकसान पहुँचाया उस मूर्ति को, तो SDM साहब से मेरी बात हुई थी और SP साहब को मैंने बता दिया था इस बारे में और उनको जो है नगर पालिका के जो अधिकारी हैं उनसे करके उसको ठीक करवा दिया गया है अभी, और उनके खिलाफ कंप्लेंट लेके पर्चा दर्ज कर अभी हिरासत में ले लिया है, पर जल्दी इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गुना में मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। मजदूरी कटौती को लेकर मजदूर यूनियन हड़ताल पर बैठ गई है। मजदूरों ने मांग रखी है कि सरकार उनकी मांगों को पूरी करे ताकि वे किसानों के साथ मिलकर किसानों के अनाज को तोल सकें और अपना कार्य शुरू रखें। मजदूर यूनियन के प्रधान मंगल सिंह ने बताया कि 2018 और 2020 में जो कार्य करवाया गया उन्हीं रेटों में से इस बार कटौती करते हुए मार्केटिंग बोर्ड पंचकूला ने फरमान जारी किया है, लेकिन मजदूर यूनियन वाले इन रेटों पर कार्य नहीं करना चाहते हैं और मजदूर यूनियन का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वे हड़ताल पर रहेंगे। ये सरकार के द्वारा जो हमारे रेटों के अंदर कमी की गई है, उसके अंदर कटौती की गई है, उसके विरोध प्रदर्शन में हम मजदूर इकट्ठा होकर यहाँ सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। क्या कहना है सरकार का? सरकार ने जो पिछले 3 वर्षों से हमारी कोई मजदूरी के अंदर बढ़ोतरी नहीं की है, 2018-19 से जो मजदूर लिस्ट जो जारी होती है बोर्ड से और पंचकूला से, उसी रेटों पर हमारे से पिछले साल भी कार्य करवाया गया और अब के वर्ष जो है उनमें से भी कम रेटों पे हमारे से कार्य करवाने के लिए हमें बाध्य किया जा रहा है और सरकार जो है इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। आप जैसे कि आप जानते हैं कि सिलेंडर जो है कितना महंगा हो चुका है, पेट्रोल डीजल हर चीज़ के भाव बढ़ गए हैं, यहाँ तक कि किसानों के अभी जो गेहूं बीजी नहीं है उसका भी मूल्य सरकार ने निर्धारित कर दिया है कि 2015 का उसका रेट घोषणा कर दी है, लेकिन किसानों के इस आंदोलन को देखते हुए
किसान मजदूरों को भूल बैठी है और मजदूरों को जो पिछले वर्ष जो रेट मिल रहा था उसमें से भी कटौती करके और उनको काम पे बुलाने का कार्य कर रही है, जो कि मजदूरों के साथ सरासर ये बेइंसाफी है। फरीदाबाद के पाली गांव के ग्रामीणों ने पाली चौक के पास बनी पार्किंग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। बता दें कि पाली के ग्रामीण पुलिस चौकी के सामने एकत्रित हुए और पुलिस चौकी के साथ बनी दम फनलों के लिए पार्किंग को अवैध बताते हुए उसे जल्द से जल्द यहां से हटाए जाने की मांग की। देखिए, इसमें ये है कि पार्किंग ली हुई है, यहाँ कोई मिस्टर खुशहाल मलिक है, उन्होंने ली हुई है, तो उसके बारे में ये जो है धर्मवीर बढ़ाना में कुछ आदमी आए थे और उन्होंने इस पार्किंग को हटाने के लिए कोई एक पत्र दिया है हमारे को, तो उसके बारे में एसडीएम साहब से मैंने कहा है कि एसडीएम साहब जो है परसों मिल करके इसके बारे में जो भी उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। देखिए साहब, इस बारे में तो हम नहीं बता सकते क्योंकि तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मामला जांच की जाएगी। कावडांगरा में बिजली निगम द्वारा की जा रही छापेमारी के विरोध में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने निर्णय लेते हुए कहा कि जब तक 3 कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन चल रहा है वे सरकार का विरोध जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान कोई भी बिजली कर्मी गांव में आया तो उसे नुकसान का वह स्वयं जिम्मेदार होगा। इस दौरान बैठक में गांव के लोगों ने कहा कि बिजली निगम की टीमें लगातार गांव में आकर ग्रामीणों को परेशान करती हैं, जिसे वह सहन नहीं करेंगे। यहां पर आकर छापा मारी करते हैं, तब से किसान आंदोलन चला है। किसानों और मजदूरों को डर और भय पैदा करने के लिए अंदर प्रशासन, बिजली प्रशासन छापेमारी कर रहे हैं बार बार, हर रोज तीसरे दिन आ जाता है। कुछ दिन पहले जो इंदिरा आवास योजना से प्लाट कट रखे उस मोहल्ले में, रिजर मोहल्ले में भी छापामारी करी जिन्होंने, जो कि गरीब मजदूर आदमी है, बिल्कुल तंग और भय पैदा करने के लिए आप बार बार गांव में डांगरा में आ रहे हैं। और जब अब की बार पूरा गांव इसलिए इकट्ठा हुआ है, जब भी बिजली प्रशासन गांव में छापामारी करने के लिए आएगा, पूरा समस्त गांव पूरा तैयार है इकट्ठे होकर। अगर बिजली प्रशासन गांव में आएगा तो दोबारा जान मान की आंधी खुद भुगतेगा। और यहाँ के गांव की तरफ से हर व्यक्ति तैयार है, हर गांव में चौपाल में रुका मारते ही सारा गांव इकट्ठा हो जाइयो और प्रशासन खुद इस चीज की वो करेगा जिम्मेदारी। अम्बाला शहर पुलिस प्रशासन के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि एक डायरी में रेड कर रहे 41 गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। सूत्रों के माने तो वहां पर गैस सिलेंडरों में हेराफेरी का काम किया जा रहा था। डेयरी में सिलेंडरों के साथ साथ कुछ गैस पाइप और यंत्र जिसमें गैस सिलेंडर से दूसरी जगह डाली जाती है वह भी पाया गया है। अपने जो किए जाते हैं बाहर बेचे जाते हैं, हाँ जो बेचे जाते हैं, जैसे घरों में जाते हैं, ठीक है, ये लेके जाते हैं, ठीक है, ये इसमें कमर्शियल सिलेंडर भी पड़े हैं। हाँ, कमर्शियल में। अच्छा, तो अभी जब आपने जांच जब छापेमारी की, कितने सिलेंडर मौके पर पाए गए? हमें टोटल 41 मिले अभी। कोई किसी तरह का कोई आपको मतलब आपने देखा ये काम हो रहा था? हो रहा था, हमने वो भी पकड़ा। अच्छा अच्छा, तो अभी मापतौल विभाग के टीम भी आपके साथ है? पल्टी लगा रहे थे, पल्टी लगाते हुए हमने उसको पकड़ा। कितने लोग मौके पर मौजूद थे? अभी तो जांच कर रहे हैं यहाँ पर, करीब 3 आदमी। कब से काम हो रहा है? अभी ये सब जानकारी बाद में मिलेगी, अभी थोड़ी देर में अभी कार्रवाई करके फिर आपको सारी बात बता देंगे। सूचना मिली है कि कहीं खन्ना पैलेस के पास है कोई रेड, उसमें जो ये सिलेंडरों की कालाबाजारी हो रही है, तो हमने इसके बारे में पुलिस से संपर्क किया और पुलिस और फूड सप्लाई स्टाफ ने मिलकर जांच की, तो मौके पर लगभग 41-42 सिलेंडर हमारे को पाए। मौके पर एक दूसरे सिलेंडर से गैस निकाल कर दूसरे में डाल रहे थे, 3-4 लोग मिले जो ये काम कर रहे थे। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।